दिल्ली में आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव ने नामांकन किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि अब बिहार की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव संभाले और बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि लेकिन तेजस्वी को सीएम बनने में अभी समय लगेगा। लालू ने आगे ये कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने में वो पूरा सहयोग करेंगे और सब मिलकर देश को चलाएंगे। बता दें कि लालू यादव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम कहकर संबोधित किया था। बता दें कि बुधवार को लालू यादव अलग रंग में नजर आ रहे हैं। लंबे समय से बीमार लालू यादव ने बुधवार को अपने पुराने अंदाज में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लालू यादव ने खुलकर ये भी कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता, उन्हें मैं बता दूं कि 2024 में उनकी हार तय है। बीजेपी उनके खिलाफ सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है। गौरतलब है कि 25 सितम्बर को नीतीश कुमार और लालू यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात कर उन्होंने पार्टी चुनाव के बाद इस पर फिर से चर्चा की जाएगी। लालू ने ये भी कहा आगे कि बीजेपी को इस नेता के बाद से घबराए हुए हैं। बाकी देख रहे हैं कि 2024 के जो नतीजे हैं, क्या वो बीजेपी के तरफ जाएगा पलरा या फिर लालू यादव के, क्योंकि लालू यादव के बयानों से जिस तरीके लग रहा है वो बिल्कुल ठाट वाट हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें से क्या उनकी बेटी की जीत होती है या फिर से मोदी अपना गद्दी पर लाश जमा पाते हैं, ये तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें